यहाँ पे हम बात करने वाले दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है उनका डिजाइन एंड डेवलपमेंट होगा इंडियन नेवी के लिए। सो कहीं ना कहीं जो इंडियन नेवी की रीच है वो एक्सटेंड होने जा रही है, और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट थी वो काफी समय से देखी हुई जा रही थी कि अगर आपको जो ब्लू वाटर नेवी है वो बनना है और नेवी की रीच को बढ़ाना है तो नेवी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा बना रहना चाहिए, और उस कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए जो आपके सैटेलाइट की रीच है वो हर जगह होनी चाहिए। तो जो अगर इस तरह के हैप्स हैं वो नेवी के पास रहते हैं तो वो हर मौके पर 24/7 एक नेटवर्क में रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, और जो सभी यूनिट है वो एक नेटवर्क में काम कर पाएंगे। न्यू स्पेस के हैप्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी हाल ही में जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है 21 घंटे की फ्लाइट को कंडक्ट करके वो कंप्लीट किया था, और ये जो 21 घंटे की फ्लाइट है 21 घंटे का जो एंड्योरेंस है वो एक स्केल मॉडल ने कंप्लीट की थी, जहाँ पे जो स्केल्ड मॉडल था उसकी विड्थ तकरीबन 21-22 मीटर के अराउंड थी। इसका जो कंप्लीट प्रोटोटाइप है वो भी बना लिया गया है, जिसकी जो विड्थ रहने वाली है वो 40 से ऊपर मीटर की रहेगी, और वहाँ पे वो केपेबल होगा जो आपके स्ट्रेटोस्फेरिक ऑल्टीट्यूड है उनमें फ्लाई करने में, मतलब 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में फ्लाई करने में, और कई सारे जो पेलोड है वो कैरी कर रहा होगा। अब वो चाहे ISR पेलोड हो या फिर जो इलेक्ट्रोऑप्टिकल सिस्टम है, IR सेंसर है, C30 का प्रेशर रडार है, और जो दूसरे यूनिट है चाहे वो EW हो या फिर एलिंट हो, इस तरह का जो सेंसर है वो कैरी करेगा। तो जो हैप्स की बॉडी रहने वाली है वो काफी अल्ट्रा लाइट रहेगी, और वहीं पे जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करेगा। सो ये चीज को अलाउ करेगी कि जो बैटरीज है उसको भी कैरी करे, और इसके जो विंग्स होंगे वहाँ पे सोलर पैनल माउंटेड रहेंगे, तो खुद को ये चार्ज करके स्ट्रेटोस्फेयर में ग्लाइड करता रहेगा, जहाँ पे जो इसका एंड्योरेंस है वो 90 दिन तक जा सकता है। एक ऐसा ही जो हैब्स है वो NLV डेवलप कर रही है, जो कि सिविलियन पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब सिविल एप्लीकेशन में जो ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, तो इस तरह के कुछ जो एप्लीकेशन है स्पेशली रिमोट एरिया में वहाँ पे भी देखा जा रहा है, और वहाँ पे भी जो प्रोग्रेस है वो ठीक ठाक हुआ है। यहीं पे हम बात कर लेंगे एक और डेवलपमेंट के बारे में, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेके है, HAL का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो इसके लिए जो CCS का अप्रूवल है वो अभी हाल ही में दिया गया था कि 34 के नंबर में जो हेलीकॉप्टर है LH वो प्रोक्योर किया जाएंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो इस 34 में से जो ध्रुव मार्क 3 होगा 25 के नंबर में वो इंडियन आर्मी के लिए होंगे, और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो कर ली गई है। कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल लागत है वो 8073 करोड़ रुपए के अराउंड है, और इसी में 9 के नंबर में जो ALH मार्क 3 MR होगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए प्रोक्योर किए जाएंगे। तो जो ध्रुव मार्क 3 है उसको यूटिलिटी के रूप में आर्मी इस्तेमाल करने वाली है, जहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन है, इन सब मिशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है वो वेल प्रूवन है हाई ऑल्टीट्यूड में, सियाचिन के ग्लेशियर्स में, लद्दाख में। वहीं पर जो ALH मार्क 3 MR होगा उसको ICG इस्तेमाल करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड, और मैरिटाइम एप्लीकेशन के लिए जो भी सेंसर रिक्वायर्ड है ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो इंटरडिक्शन SAR मिशन और कार्गो के साथ साथ जो पर्सनल के ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है 190 लाख आर का वो यहाँ पे जनरेट होने जा रहा है। यहाँ पे 200 से अधिक जो MSME है वो इन्वॉल्व रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।